नमस्कार। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, 2 माह का बकाया मानदेय अगस्त में मिलने की संभावना, जानते हैं विस्तार से। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। जी हां, इन्हें जून और जुलाई महीने के बकाया मानदेय का भुगतान अगस्त में कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों से पारा शिक्षकों और मॉडल स्कूल के शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 2 अगस्त तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पारा शिक्षक और मॉडल स्कूल के शिक्षक काम कर रहे हैं, उनका आंकड़ा पोर्टल पर अपलोड करना है। त्योहार से पहले भुगतान के लिए मंत्री से किया था आग्रह। पारा शिक्षकों का अप्रैल और मई महीने का मानदेय इसी महीने अलग अलग जारी किया गया है। जून महीने का भी उनका मानदेय बकाया था। उधर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी सदस्य संजय दुबे ने कहा कि राज्य के सभी विभागों के कर्मचारियों का जुलाई महीने का वेतन जारी करने का निर्देश हो चुका है, लेकिन पारा शिक्षकों का जून महीने से ही मानदेय बकाया है। राशि नहीं मिलने से बकरीद और रक्षाबंधन के त्योहार पर असर पड़ेगा। पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि त्योहार से पहले उनका मानदेय भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।